हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज हम फिर से आपके लिए इंग्लिश का एक और टॉपिक लेकर आ गए हैं। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है, दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए ही ये इक्वली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत मदद करेगा। ये टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपके ग्रामर पोर्शन में पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता है पेपर में। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है? अगर सीधी भाषा में समझाना चाहें, सादी भाषा में समझाना चाहें, तो क्या होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच? तो बच्चों, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपको जो कुछ भी कह रही हूँ, आप उसे अगर मुझे कहोगे तो सीधी सीधी लाइन में ही कहोगे। जैसे कि यहाँ इन्होंने बताया है, डायरेक्ट स्पीच इज रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम। मतलब कि किसी की बात को उसी तरह कहना जिस तरह उसने कहा था, सेम टू सेम एज इट इज। जैसे मैं किसी बात को कह रही हूँ या आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा था, तो आप मुझसे सीधे सीधे कहोगे ना। जैसे कि माया सेड आई एम बिजी नाउ, माया ने कहा कि मैं बिजी हूँ, ठीक है? तो आप उसे सीधा सीधा बता रहे हो और वही शब्द बोल रहे हो जो शब्द उसने कहे, जो शब्द माया ने कहे कि आई एम बिजी नाउ, वही शब्द आपने बता दिए। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच इज रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन योर ओन वर्ड्स। जब उसी बात को, माया की कही गई इसी बात को जब आप अपने शब्दों में बताओगे, तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि किसी की कही हुई बात को जब आप अपने शब्दों में कहते हो, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसका एग्जाम्पल कैसे दिया उन्होंने, माया सेड दैट शी वॉज बिजी देन। उसने कहा था आई एम बिजी नाउ, तो ये क्या बन गया, शी वॉज बिजी देन। कि अब मैं किसी और को ये बात बता रही हूँ कि माया ने कहा था कि वो उस वक्त बिजी थी, ठीक है? चलिए अब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। एक एक करके हम एग्जाम्पल करते जाएंगे और मैं आपको बताती जाऊंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, इसकी कुछ रूल्स हैं जो हमें याद करने होते हैं, जो हमें समझने होते हैं। उन रूल्स को अगर हम फॉलो करते जाएंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही आसानी से आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं आपको साथ साथ रूल बताती रहूंगी कि आपको कौन कौन से रूल इसमें फॉलो करने। अब पहला आपका सेंटेंस जो है वो है आपका ही सेड आई एम फाइन, उसने कहा मैं ठीक हूँ। ये तो सीधा सीधा मतलब हुआ, उसने कहा मैं ठीक हूँ। अब इसको आपको इनडायरेक्ट वे में बदलना है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आप क्या करोगे, ही एज इट इज उतरा, सेड एज इट इज उतरा, लेकिन ये जो इन्वर्टेड कोमा यहाँ आप देख रहे हो, ये किस में चेंज हो जाता है, दैट में। ये आपका पहला रूल है कि आपका जो इन्वर्टेड कोमा जहाँ भी होगा वो आपका दैट में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस आता है वो उसके अकॉर्डिंगली टेंस चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है? अब ही ने कर कहा तो आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। क्योंकि पास्ट की बात कर ली, क्यों इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा आप पास्ट में बताओगे, क्योंकि जिसने जो बात कहनी थी वो तो वो बात कह चुका। अब हम उसी की बात को किसी और को बता रहे हैं कि उसने क्या कहा था, तो वो पुरानी बात हो गई ना, तो हम हमेशा इसको पास्ट टेंस में बनाएंगे। पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही वो ही है, अगर ही करके वो आई बोलता है तो उसको ही कर देंगे, अगर लड़की बोलती है तो उसको शी कर देंगे, अगर अगर कुछ और होता है तो उसे चेंज करेंगे, और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये पहला हमारा रूल तो ये हो गया कि इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम हमेशा दैट लगाते हैं, ठीक है? दूसरी बात, दूसरा रूल क्या है आपका, दूसरा रूल ये है कि यहाँ पर अगर आई होता है तो यहाँ पर जो इंसान बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर देंगे। यहाँ पर अगर ही बात कर रहा है तो अगर ही कह रहा है कि आई एम फाइन, तो हम इसे चेंज करके क्या कर देंगे, ही एम की जगह पास्ट टेंस में क्या चला जाएगा, वॉज। फाइन तो एज इट इज फाइन ही आ जाएगा, ठीक है? ही सेड आई एम फाइन का मतलब क्या हुआ, ही सेड दैट ही वॉज फाइन, उसने ऐसा कहा था कि वो सही है, वो ठीक है, ठीक है? अब आप ये नहीं कहेंगे कि उसने कहा था कि मैं ठीक हूँ, ये तो डायरेक्ट स्पीच हो गई। इनडायरेक्ट में आप अपने तरीके से बताएंगे उसको कि उसने कहा था कि वो ठीक है, ठीक है? तो पास्ट की बात हो गई, ये आपका दूसरा रूल हो गया, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में देखें, ही सेड टू मी आई एम फाइन, सेम बिल्कुल वैसा ही है, बट ही भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, सेड टू आ गया। अब जब सेड टू आ जाता है तो उसको हम हमेशा चेंज कर देते हैं टोल्ड में, किसमें चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। ये आपका तीसरा रूल हो गया, ठीक है? जब भी सेट टू आएगा उसे चेंज करेंगे टोल्ड, बाकी सब कुछ सेम आएगा। ही सेट टू मी आई एम फाइन, हम इसे इनडायरेक्टली बदलेंगे, ही टोल्ड मी दैट सेम ही वॉज फाइन, ठीक है? चलिए
अगला फिर आता है आपका ही सेज आई एम फाइन, ही सेज दैट ही इज फाइन। अब ये आपका प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि जब आप किसी की बात हो चुकी, जो बात उसको जब आप बताओगे तो पूरे सेंटेंस को पास्ट में चेंज कर दोगे, लेकिन अभी वो ये बात कह रहा है, वो इंसान आपके सामने ही है और सामने ही आप किसी और को उसके बारे में बता रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। और ऐसा ही ऐसा और ये हम किस में लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगाते हैं, दैट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो इसके आगे भी जो चेंज होगा वो प्रेजेंट टेंस में ही चेंज होगा, ओके ठीक है। ये तीसरा सेंटेंस आपका जैसे आया, ही सेज आई एम फाइन, तो इसमें ही भी सेम रहेगा, सेज भी सेम रहेगा, इन्वर्टेड कोमास की जगह आपके फर्स्ट रूल के मुताबिक दैट आ जाएगा और आई एम फाइन की जगह हो जाएगा ही है, तो इसलिए आई बन जाएगा ही इज फाइन, वॉज नहीं आएगा, वॉज आता क्योंकि यहाँ सेड बोला था उसने, वो उसमें कहा था पहले, अब वो कह रहा है, ठीक है, या वो कहता है, सामने ही वो कहता है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में वो बात बोल रहा है, तो अब इसको चेंज जब करेंगे तो हम प्रेजेंट टेंस में ही चेंज करेंगे। इसी तरह से ही सेज टू मी, अब हमने ही सेड टू मी में क्या चेंज किया था, टोल्ड चेंज किया था, ये किसकी पास्ट फॉर्म है, टेल की पास्ट फॉर्म है। तो इसी तरह से जब हम सेज को प्रेजेंट में डाल रहे हैं तो सेज टू को किस में डालेंगे, टेल की प्रेजेंट फॉर्म में, क्या कर देंगे हम इसे, टेल्स कर देंगे, ठीक है। हमने सेट टू का टोल्ड किया था तो अब हम सेज टू का टेल्स कर देंगे। सेंटेंस कैसा बना, ही सेज टू मी आई एम फाइन, ठीक है, तो हम इसे चेंज करके क्या करेंगे, ही का सेम रहेगा, सेज टू की जगह टेल्स आ जाएगा, मी की जगह मी आएगा, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम कर चुके हैं दैट आता है, और प्रेजेंट टेंस ही रखेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, दैट ही इज फाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आपको फिर भी रेकमेंड करूंगी कि आप इसे साथ में कॉपी पेन भी लेके बैठे तो और ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। अगला आपका आता है ही विल से आई एम फाइन। अब ये बता रहा है आपको फ्यूचर, वो कह रहा है कि वो कहेगा कि वो ठीक है, वो कहेगा कि मैं ठीक हूँ, ये तो आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब आप इसको किसी और को बताना हो तो कैसे बताओगे, अगर ये बात वो है कि वो कहता है मैं ठीक हूँ, अब आप इसको अपने शब्दों में बताओगे तो आप क्या कहोगे, कि वो कहेगा कि मैं ठीक हूँ, यही कहोगे ना, कि वो कहेगा कि मैं ठीक हूँ। तो वो कहेगा के लिए क्या आ जाएगा, सेम टू सेम एज इट इज ये उतर जाएगा, कुछ भी नहीं चेंज करना है, इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज करना है और आई एम फाइन को प्रेजेंट टेंस की तरह ही इज फाइन में चेंज कर देना है, यहाँ पास नहीं करना है, यहाँ भी प्रेजेंट ही करना है, ठीक है। अब अगला आपका आ जाता है ही विल से टू मी, हमने सेड टू कर लिया, ठीक है, हमने सेज टू कर लिया, अब हम कर रहे हैं ही विल से टू मी। तो सेड टू में आपने क्या किया, टोल्ड किया, सेज टू में आपने क्या किया, टेल्स किया, तो अब से टू में आप क्या करेंगे, सीधा सीधा टेल करेंगे, ठीक है। ही विल से टू मी आई एम फाइन, तो आप क्या करोगे इसको चेंज, ही विल टेल मी दैट ही इज फाइन। विल में मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, इन्वर्टेड कोमास को हटा के आप दैट लगा दोगे तो से टू का टेल आ जाएगा और आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ही विल टेल मी दैट ही इज फाइन, ठीक है। चलिए अब आपका आता है एक और काइंड ऑफ सेंटेंस जिसमें कि यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, ये आपका एक तरह से कहा जाए तो चौथा रूल मान लेते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि ऐसा कोई बात या ऐसी कोई सेंटेंस या ऐसा कोई तथ्य है जो कि कहीं चेंज नहीं होता, हमेशा सच ही रहेगा, सही रहेगा, उसमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, इस बात में कोई चेंज नहीं कर सकते आप, पास्ट में क्या करोगे और प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो चेंज करने की बात ही नहीं है ना, वो तो उगता ही है तो उगता ही है, उगेगा या उगता था, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो बात सच है, जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। और जहाँ कहीं भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ आता है वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में उसने कहा ही ट्रूली सेड नो वन कैन लिव विदाउट वाटर, उसने सच में कहा कि कोई भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। ही को आप वैसे ही रहने दोगे, ट्रूली को भी आप वैसे ही रहने दोगे, सैड को भी आप वैसे ही रहने दोगे, ठीक है, सैड में कोई चेंज नहीं करना। इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम हमेशा दैट लगाते हैं, ये आपका हम पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट रूल में। अब यहाँ पर कैन को आप कुड नहीं करेंगे,
कुड हैव नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. नो वन कैन लिव विदाउट, ही ट्रूली सेड दैट नो वन कैन लिव विदाउट वाटर. ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. एज इट इज सेम टू सेम सेंटेंस आपका आ जाएगा. ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएगा तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे. चलिए इसी तरह से एक और सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. उसने कहा कि ईमानदारी जो है वो सबसे बढ़िया सबसे अच्छी नीति है. अब आपने ही ले आए, आप सेड ले आए, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट कर दिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था वो एज इट इज़ आपने सेम टू सेम उतार देना है. ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. क्यों? क्योंकि ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी पूरी दुनिया में माना जाता है. ठीक है, तो ये आपके मेन जो 8 तरह के सेंटेंसेस थे जिसमें कि आपको सारे के सारे रूल मैंने बता दिए, क्या आपको चेंज करना होता है, कहाँ क्या बदलना होता है. पास्ट होता है तो अंदर वाला सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा, और फ्यूचर है तो भी प्रेजेंट में वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, चलो अब और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फटाफट एग्जाम्पल्स देखते हैं. 9th एग्जाम्पल है आपका, रवि सेड आई एम रीडिंग अ बुक. ठीक है, मैंने आपको बताया सेड के साथ कुछ नहीं होता, रवि का रवि उतर आएगा, सेड का सेड उतर आएगा, इन्वर्टेड कोमा की जगह आप दैट लाएंगे. अब आई की जगह क्या हो जाएगा, आई कौन है, रवि, रवि कौन है, एक आदमी है, अ मैन, उसकी जगह क्या लगाएंगे आप आई की, किस में चेंज करेंगे, ही में. और क्योंकि उसने ये बात कही थी पास्ट में कही थी तो एम जो है वो वॉज में चेंज हो जाएगा और रीडिंग दिस बुक सेम रहेगा. ठीक है, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा आपका, रवि सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ रीडिंग दैट बुक. अब यहाँ पर दिस आ रहा है ना, दिस को आप हमेशा किस में चेंज करेंगे, दैट में. इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप चेंज कर देते हैं, कॉमन वर्ड्स होते हैं, वो आपका वर्ब नहीं होता है, वो आप कॉमन वैसे वर्ड्स होते हैं जो आप ऑलरेडी चेंज कर देंगे. ये मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती रहूँगी, और इसमें आप क्या करेंगे, जब भी मैं आपको बताती हूँ तो आप उसको साथ साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप लिख लीजिएगा. जैसे कि यहाँ पर दिस को आपने दैट में चेंज किया है, इसे आप अलग से लिख लीजिएगा ज़रूर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें. नेक्स्ट में क्या आता है आपका, नेक्स्ट में आता है हमारा, डैड सेड टू पंकज आई विल नॉट गिव यू पॉकेट मनी. डैड ने पंकज से कहा कि मैं तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दूंगा. अब इसके अंदर जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में है, लेकिन जो बाहर सेंटेंस है वो किस में है, वो पास्ट में है. ये हमेशा बच्चों ध्यान रखेंगे आप, कि हम मेन जो देखते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कौन सा है, वो यहाँ देखते हैं. ठीक है, कहाँ देखेंगे आप हमेशा यहाँ देखेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट में है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है. ठीक है, विल से आ रहा है, सैड आ रहा है या सेज आ रहा है, ये सब यहीं से डिसाइड होगा. और जो यहाँ डिसाइड हो गया वो इसके अंदर डिसाइड होगा. इन्वर्टेड कोमा की है ना, ये आपके इन्वर्टेड कोमा है, इसके अंदर जो भी सेंटेंस है वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा. अगर बाहर सैड है तो यहाँ सारा पास्ट में बदल जाएगा, यहाँ सेज होता तो यहाँ सारा प्रेजेंट में बदल जाएगा, अगर यहाँ पर सारा का सारा फ्यूचर में है तो यहाँ सारा का सारा प्रेजेंट में हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें क्या था, डैड ने पंकज से कहा था कि मैं तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दूंगा. ठीक है, सेट टू का मैं आपको बता चुकी हूँ, सेट टू का टोल्ड में चेंज हो जाता है. डैड ने पंकज से कहा, डैड टोल्ड पंकज, इन्वर्टेड कोमा की जगह आपने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया. डैड ने कहा था, डैड इज अ मेल, इसलिए आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा. विल का क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा. ठीक है, ये भी आपको वर्ड जो है वो नोट करना है, जब अंदर विल आएगा और आप उसे पास्ट में चेंज कर रहे हैं तो आप उसे वुड में बदल देंगे. ठीक है, तो आप उसे वुड में बदलेंगे. ही विल नॉट गिव हिम, किसको देंगे पैसे, किसको नहीं देंगे उसके डैड पैसे, पंकज को, पंकज इज अ ही. ठीक है, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा. ठीक है, पॉकेट मनी एज इट इज सेम आ जाएगा, आपका कोई चेंज नहीं करना है. तो सेंटेंस क्या था, डैड सेड टू पंकज आई विल नॉट गिव यू पॉकेट मनी, और ये बदल किस में जाएगा, डैड टोल्ड पंकज दैट ही वुड नॉट गिव हिम पॉकेट मनी. ठीक है, कहता है माई फादर माई फ्रेंड सैड आई हैव बीन टू इंग्लैंड थ्राइस. मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं इंग्लैंड 3 बार जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ. ठीक है, सीधा सेंटेंस है, मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं 3 बार इंग्लैंड जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ. अब आप देख सकते हो यहाँ सैड है, पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब यह है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस दे रखा है हम उसे चेंज करेंगे पास्ट में. ठीक है, चलिए माई फ्रेंड का माई फ्रेंड ही रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा,
इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ जाएगा। आई माई फ्रेंड क्या कह रहा है, ठीक है, माई फ्रेंड को हम मोस्टली क्या मानते हैं, ही मान लेते हैं, ठीक है, वो जा चुका है मान लेते हैं। तो आई को हमने चेंज कर दिया ही में। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हैव को हम चेंज कर देंगे हैड में, क्योंकि पास की बात हो रही थी तो हम हैव को हैड में चेंज कर देंगे। बाकी सारा का सारा सेंटेंस जो है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ध्यान रखना होता है कि अंदर कौन सी चीज़ ऐसी लिखी है जो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हैव था, ये पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हैड में चेंज हो गया, ठीक है। अब अगला सेंटेंस करते हैं। अगला सेंटेंस कहता है ही सेड आई विल बी इन मुंबई टुमारो, उसने कहा कि मैं कल मुंबई पहुँच जाऊँगा, यानी कि मैं मुंबई में होऊँगा कल। अब इसको आपको चेंज करना है। अब आपने ये देखा यहाँ पर सेड है, तो अंदर का सारा किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ही सेड का ही सेड ही रहा, इन्वर्टेड को हटा के आपने दैट लगा दिया। आई क्योंकि यहाँ पर ही है तो ये आई किस में, ही में चेंज हो जाएगा। विल का वुड में चेंज हो जाएगा, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। बी इन मुंबई, यहाँ पर ये सेम रहेगा, बी इन मुंबई सेम रहेगा, लेकिन आप ये देखोगे कि टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में चेंज हो जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। मैं साथ साथ टिक इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप ये नोट रखें कि जब हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर किसी चीज़ को ऐसी को चेंज करते हैं तो ये हमें कई बार मिस हो जाती है, हमारे आँखों से रह जाता है हमारे दिमाग से, लेकिन ये चेंज अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब कुछ हमने ऊपर पढ़ लिया था, वही हम चेंज कर देंगे। ही का जो आई का जो है ही बन जाएगा, विल का वुड बन जाएगा, लेकिन टुमारो जो है टुमारो का नेक्स्ट डे लिख सकते हो आप या फॉलोइंग डे लिख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोबारा करें अगला सेंटेंस। ही सेड आई विल बी यूजिंग द बाइक नेक्स्ट मंडे, उसने कहा कि मैं बाइक को अगले सोमवार को यूज करूंगा, ठीक है। अब उसने पास्ट में फ्यूचर में ये बात कही है, लेकिन यहाँ क्या है आपका पास्ट है, तो अंदर आप पास्ट में चेंज कर दोगे। आई विल बी को मतलब आई विल बी बोलते हैं, ठीक है। ही का ही सेड का ही सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड को हटा के आपने दैट लगाया। आई को आपने ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ही चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ही है तो यही बोल रहा है, तो इसलिए ये भी ही हो जाएगा। विल है ये, विल का वुड हो जाएगा। बी यूजिंग द बाइक नेक्स्ट मंडे, यहाँ पर ये सेंटेंस चेंज हो नहीं होगा, ये सेम टू सेम रहेगा। वाई, क्योंकि यहाँ पर इसने कैसे कोई आने वाले दिन की बात नहीं की, उसने एग्जैक्ट बता दिया नेक्स्ट मंडे, तो नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे चेंज थोड़ा ना होगा, तो नेक्स्ट मंडे ही रहेगा। इसलिए पूरा का पूरा सेंटेंस आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर दैट लगाना है और विल का जो है वो वुड कर देना है, ये आपका पास्ट में चेंज हो जाएगा। अगला सेंटेंस जो है, अगले सेंटेंस में वो कहता है कि ही सेड आई कैन रन फास्टर देन रवि, वो कहता है कि मैं रवि से तेज दौड़ सकता हूँ, वो अपनी काबिलियत बता रहा है, उसने कहा कि मैं रवि से तेज दौड़ सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो पास्ट में है ये, ठीक है। पास्ट में अगर ये आ जाता है तो यहाँ पर ही सेड का ही सेड ही छोड़ा, ठीक है, ही सेड का ही सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कोमा की जगह आपने दैट लगाया। ही कह रहा है इस बात को आई करके, तो यहाँ पर आप आई की जगह ही कर देंगे चेंज, कैन की जगह आ जाएगा कुड, जैसे हमने विल की जगह वुड किया था तो कैन की जगह कुड आ जाएगा, और बाकी सारी रन फास्टर देन रवि ये बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल कहता है ही सेड आई मे बाय अ पेन, वो कहता है अगले एग्जाम्पल में कि हो सकता है कि मैं पेन खरीदूं, मैं पेन खरीद सकता हूं, ऐसी वो पॉसिबिलिटी दे रहा है कि मैं पेन खरीद सकता हूं, वो कह रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ही सेड को एज इट इज उतारा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाया, ही कह रहा है तो आई को हटा के ही लगा दिया। अब मे कहाँ चेंज हो जाएगा, माइट में, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पास्ट है इसलिए अंदर वाला पूरा पास्ट में चेंज करना है हमें, तो मे को हम पास्ट फॉर्म में ले जाएंगे और जो होती है माइट, तो हम कर देंगे इसको आई मे बाय अ पेन की बजाय कर देंगे ही माइट बाय अ पेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो कहता है ही सेड सीमा मस्ट वर्क हार्ड, अब ये भी पास्ट की बात है, ठीक है। अब वो कह रहा है उसने कहा कि सीमा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ही सेड, अब सेम टू सेम ही सेड लाया आपने, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाया, सीमा की जगह सीमा आ गया, मस्ट की जगह आपका क्या आ जाएगा, हैड टू। इसका मतलब भी है कि उसे
बिल्कुल कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है, करना पड़ेगा। लेकिन इसको आप किस में चेंज कर देंगे? हैड टू, उसे करना पड़ेगा, उसे वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ही सेड आई शुड मीट यू इन द इवनिंग। अब उसने कहा कि मुझे तुम्हें शाम को मिलना चाहिए, शुड कहाँ होता है, चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हें शाम को मिलना चाहिए। अब सेम आपने क्या चेंज किया, ही सेड किया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया, आई की जगह ही किया क्योंकि ही बात कर रहा है, शुड की जगह हमेशा शुड ही रहता है, कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो करना चाहिए, जो एडवाइस है वो तो एडवाइस ही रहेगी, ठीक है ना, जो सलाह है वो तो सलाह ही रहेगी ना, सलाह थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए जब भी शुड वाला सेंटेंस आता है, तो शुड वाले सेंटेंस में आपको सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है, बाकी बिल्कुल सेंटेंस सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर देख लेना है, बस यहाँ आई वी है, उसने कहा था कि मैं तुम्हें मिलूंगा, अब वो कह रहा है, अब दो लोगों के बीच में बात हो रही है, अब उसने मुझे कहा कि वो मुझे मिलेगा, तो मैं जब किसी और को बताऊंगी तो वो क्या कहूंगी, कि उसने ऐसा कहा था कि वो मुझे मिलेगा, है ना। जब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें मिलूंगा, तो मैं किसी और को क्या बताऊंगी कि उसने कहा था कि वो मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर यू की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला आता है आपका सेंटेंस, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, उसने मुझसे कहा मैं क्या कर रही हूँ। अब सेट टू में, यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था सेट टू की जगह टोल्ड आएगा, लेकिन वो टोल्ड कब आएगा, जब वो बात बता रहा होगा, ये आपकी इम्पोर्टेंट बात है, ये आप याद रखेंगे कि सेट टू की जगह टोल्ड तब आएगा जब वो आपसे कुछ बात कह रहा होगा, लेकिन यहाँ वो क्वेश्चन मार्क है, वो आपसे कुछ पूछ रहा है। जब पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, आस्क, आस्क का मतलब पूछना होता है ना, तो यहाँ पर आप सेट टू को किस में चेंज करोगे, आस्क में चेंज करोगे। ठीक है, उसने उससे पूछा, ही सेट टू मी नहीं, ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग। अब क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हम इसे चेंज कर देंगे, व्हाट का व्हाट रहेगा, सेम जगह पर रहेगा, आर यू डूइंग की जगह इंटरचेंज हो जाता है, यू वाला पहले आ जाएगा, जो मेन सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाद में आ जाएगी, तो व्हाट आर यू डूइंग की जगह बन जाएगा व्हाट आई वाज डूइंग। उसने मुझसे पूछा ना कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आप अपने शब्दों में बताऊंगी कि उसने मुझसे पूछा था कि मैं क्या कर रही हूँ, तो व्हाट आई वाज डूइंग, मैं ये बताऊंगी उसे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन, अगले सेंटेंस में वो कहता है, ही सेड टू मी व्हाट इज शिल्पा डूइंग, सेम वो पूछ रहा है, ठीक है, तो आस्क्ड आ जाएगा, ही आस्क मी व्हाट शिल्पा वॉज डूइंग। अब ये आप ध्यान रखना कि जब भी व्हाट वाले सेंटेंसेज आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी व्हाट वाले सेंटेंसेज आएंगे उसमें ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, लेकिन क्या होगा, हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो अगर वो पूछ रहा है व्हाट इज शिल्पा डूइंग, तो हम इसे चेंज करेंगे व्हाट शिल्पा वॉज डूइंग। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट में वो बोलता है, ही सेड टू मी व्हाट एम आई डूइंग। यहाँ पर इसने सेम किया है, व्हाट एम आई डूइंग, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा। ठीक है, अब हम किसे चेंज करेंगे, क्योंकि वो पूछ रहा है तो हम आस्क लिखेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट ही वाज डूइंग। ठीक है, उसने मुझसे पूछा था कि वो क्या कर रहा है ना, वो यही तो कह रहा है, ही सेड टू मी व्हाट एम आई डूइंग, उसने मुझसे पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो मैं इसको अपने शब्दों में कैसे कहूंगी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट ही वॉज डूइंग, कि वो क्या कर रहा था। ठीक है, सिंपल है। अगला है आपका, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ रहते हो। अब ये आपका आ गया वेयर वाला, अब तक हमने वर्ड वाले किए थे, अब आपका आ गया वेयर वाला, सेम करना है, इसमें भी वो आपसे सवाल ही पूछ रहा है तो आप आस्क लिखोगे, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी ध्यान रखने वाली है, कि यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट नहीं लगाओगे। जब भी क्वेश्चन मार्क वाले सवाल आएंगे, जहां पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा वहां पर दैट नहीं लगाना है, दैट केवल तब लगाते हैं जब आपसे कोई सेंटेंस बताया जा रहा है, जब आपको कुछ बताया जा रहा है तब आप दैट लगाओगे, जब आपसे कुछ पूछा जा रहा है या
आप बता रहे हो कि आपसे कुछ पूछा गया था, तो आप उसको इनवर्टेड कोमा हटाकर दैट नहीं लगाओगे, आप सीधा सीधा क्वेश्चन वाले डब्ल्यू एच फैमिली से ही, या डब्ल्यू एच का या कुछ भी क्वेश्चन का आता है, हाउ मैनी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, आप उसी से शुरू करोगे, दैट नहीं लगाओगे। ओके अब जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा कि ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, अब उसने मुझसे पूछा है कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैं क्या बताऊंगी कि उसने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे शब्दों में तो यही कहूंगी ना मैं कि उसने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं क्या बनाऊंगी इसकी इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ठीक है पास्ट टेंस की बात है ना, तो मैं बताऊंगी कि वेयर आई लिव, डू यू की जगह क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस में वो कहता है ही सेड टू मी हाउ मच मनी डू यू हैव, यानी कि अब यहाँ पर वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, यहाँ पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हाउ मच मनी डू यू हैव मतलब कि उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, अब यहाँ पर हम सेट टू की जगह आस्क कर देंगे क्योंकि सीधा सीधा वो सवाल पूछ रहा है, अब हाउ मच मनी ये भी सेम आ जाएगा, क्वेश्चन वाला जो जो भी क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है वो एज इट इज सेम आता है, ठीक है। डू यू की जगह हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर भी हमने डू यू की जगह ऐड किया था, ये मैं रेड से कर देती हूँ, यहाँ पर भी हमने डू यू की जगह रेड किया था, यहाँ आई कर दिया था, यहाँ पर भी हम डू यू की जगह आई कर देंगे, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा कितने पैसे हैं, तो मैंने सीधे सीधे किसी और को बताया कि ही आस्क्ड मी हाउ मच मनी आई हैड, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस की बात है, ठीक है। चलो अगला आपका सेंटेंस है ही सेड टू राहुल व्हेन विल यू कम, उसने राहुल से पूछा कि तुम कब आओगे, अब सिंपल सी बात है उसने पूछा है तो हम आस्क लगाएंगे, राहुल से पूछा है तो राहुल आ जाएगा, अब वैन की जगह वैन आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन वाला मैंने आपको बताया क्वेश्चन का कोई भी वर्ड हो, हाउ मैनी हाउ मच वेट वेयर वाई, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, ये एज इट इज सेम ही रहेंगे, वैन का वैन आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट बाद में है, तो हम जो चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगा, तो वैन विल यू कम का क्या बन जाएगा, वैन ही वुड कम, विल का वुड बन जाएगा मैंने आपको बताया था, तो वैन विल यू कम की जगह हो जाएगा वैन ही वुड कम, ठीक है, ये चेंज सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा विल यू कम फॉर द मीटिंग, उसने हमसे कहा कि क्या तुम मीटिंग में चलोगे, ठीक है। अब यहाँ पर है विल, अब ये आपका डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट नहीं होता है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो कि क्वेश्चन में पूछी जा रही है, जैसे आर यू सिक, और ठीक है, और आर यू अ सिंगर, इस तरह से जब हम हेल्पिंग वर्ब लगा के क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये वो वाला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन जब आता है, ये मैं आपको रेड से मार्क करके बता देती हूँ, ये वाले टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, जब भी आपके सामने हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होगा तो हमेशा आप इफ या वेदर लगाओगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन शुरू होगा तो आप हमेशा उसके आगे इफ लगाओगे या वेदर लगाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है समझाने के लिए, आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस बना, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा था कि क्या तुम मीटिंग में चलोगे, तो हमने क्या जवाब दिया, हम किसी और को क्या बता रहे हैं, ही आस्क्ड अस इफ वी वुड, वी अस है क्योंकि, इसलिए यहाँ पर वी आ गया, ठीक है, विल की जगह वुड आ गया, कम फॉर द मीटिंग की जगह कम फॉर द मीटिंग सेम टू सेम आ गया, ठीक है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सेंटेंस है द टीचर सेड टू रहमान स्टैंड अप राइट नाउ, टीचर ने रहमान से कहा अभी खड़े हो जाओ, अब जब मैं आपसे कहूँगी अभी खड़े हो जाओ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह से जब भी ऑर्डर आता है तो आप हमसे क्या लिखेंगे, सेट टू की जगह टोल्ड नहीं कहेंगे, उसने उसको कहा नहीं है, उसने उसको ऑर्डर दिया है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इंक्वायरी करना, पूछने में आस्क लिखना, ऑर्डर करने में ऑर्डर करना, अगर प्लीज़ लिख देता है कोई तो रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अब यहाँ पर भी हम बता देते हैं स्पेसिफिकली कि जब टीचर ने रहमान से कहा कि अभी खड़े हो जाओ, तो टीचर ने उसको ऑर्डर दिया था या इंस्ट्रक्ट किया था, आप ऑर्डर ही लिखिएगा, ऑर्डर इज ईजियर, तो हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड रहमान, टीचर ने रहमान को ऑर्डर किया, किस लिए, यहाँ पर टू लगाते हैं, ये भी बच्चों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब भी कोई भी हम ऐसी चेंज करेंगे जहाँ पर हम ऑर्डर लिखेंगे या रिक्वेस्ट लिखेंगे या इंक्वायर लिखेंगे, ठीक है, तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, टू,
किस लिए रिक्वेस्ट किया गया, किस लिए ऑर्डर दिया गया, किस लिए इंक्वायरी की गई, ठीक है। तो इसके लिए जोड़ने के लिए हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये आपको लिख लेना है, लिख लिख के आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस था हमारा द टीचर सेड टू रहमान, टीचर ने रहमान से कहा था कि अभी खड़े हो जाओ। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड रहमान, टीचर ने रहमान को ऑर्डर किया टू स्टैंड अप राइट देन। यहाँ पर नाउ की जगह आ गया आपका देन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाउ का देन हो जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस की बात चली गई। तो हमने सेंटेंस क्या बना दिया कि टीचर ने रहमान को ऑर्डर किया तभी के तभी खड़े रहने के लिए, तभी के तभी खड़े हो जाने के लिए। अब वो नाव, अब तो नाव नहीं रहा ना, उस वक्त नाव था, अब तो नाव नहीं रहा, तब तो ध्यान हो गया, ठीक है ना। जो अभी है वो आगे जाके 2 घंटे बाद अभी थोड़ी ना रह जाएगा, वो तो पुरानी बात हो जाएगी ना। इसी तरह से अगला आपका जैसे आ जाता है, डॉक्टर सेड टू रहमान चेंज योर फूड हैबिट्स, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि अपनी खाने की हैबिट्स चेंज करिए। तो डॉक्टर ने उसको क्या किया, सलाह दी। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एडवाइस कर देंगे या सजेस्ट कर देंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो सेट टू है वो किस में चेंज हो जाएगा, सजेस्टेड में चेंज हो जाएगा या एडवाइज्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बोला है इस तरह से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो हम हमेशा किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। तो डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस किया किस लिए, टू चेंज हिज फूड हैबिट्स, उसकी खाने की आदतें चेंज करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस में, शी सेड टू हर हस्बैंड प्लीज स्पीक द ट्रूथ, प्लीज आ गया, रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है ना। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज सच बोलिए। तो यहां पर हम किसे चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड किस लिए और किससे जोड़ेंगे, उसको टू से जोड़ेंगे। शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड टू, प्लीज को चेंज कर देंगे, टू कर देंगे, टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। चलिए फिर आता है आपका, शी सेड टू बॉय बॉबी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर भी प्लीज आ गया तो ये भी रिक्वेस्ट की गई है। शी रिक्वेस्ट टू बॉबी, यानी कि हम सेट टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, शी रिक्वेस्टेड बॉबी टू। मैंने आपको बताया इन्वर्टेड कोमा की जगह किससे जोड़ देंगे, टू से जोड़ेंगे, अब दैट से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टू गिव हर, किसको देना था पानी, शी ने कहा था ना कि मुझे तो पानी दे दो, तो शी की जगह क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। शी रिक्वेस्टेड हर, शी रिक्वेस्टेड बॉबी टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे ही आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, बॉस सेड फॉलो मी, बॉस ने क्या किया है, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, क्या किया, ऑर्डर किया ना। तो यहां हम कर देंगे बॉस ऑर्डर्ड, यहां पर सेड की जगह क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड आ जाएगा। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हो, पर मैंने आपको कहा है कि आप ऑर्डर करिए, ये इजी है। बॉस ऑर्डर्ड, अब किसको कहा है ये नहीं लिखा हुआ तो हम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। बॉस ने सिर्फ कहा है, किसको कहा ये नहीं लिखा है तो हम भी नहीं लिखेंगे। बॉस सेड फॉलो मी, बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम, किसको फॉलो करना है, बॉस को ही तो फॉलो करना है, तो किसके लिए बॉस ने ऑर्डर किया, टू फॉलो हिम। तो ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, होप आपको इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काफ़ी अच्छा समझ आ गया होगा। इस तरह के हम एक्सरसाइजेस और भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे, प्रैक्टिस आप, आपके पास भी जो इंग्लिश की बुक्स अवेलेबल हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। पर जो रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट के, आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई है, कोई डाउट रह गया है अभी भी, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसे ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। तो आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक कीप